सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगन और आज मैं आप सभी के लिए ये खास प्रोग्राम लेकर आई हूं जिसका नाम है बर्थडे स्पेशल। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का नाम बर्थडे स्पेशल है, तो इससे ये साफ हो जाता है कि भाई आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की बात बताने वाले हैं जिनका आज जन्मदिन है। जी हाँ, और आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे सुनील शेट्टी के बारे में। और आज उनका जन्मदिन है, वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी खास मौके पर हम आपको सुनील शेट्टी से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरें बताने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनसे अभी तक आप अनजान हैं। जैसे आपको ये बातें पता चलेंगी तो आप काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। ये तो भाई आप सभी जानते हैं कि सुनील शेट्टी अब बॉलीवुड में दिखाई नहीं देते हैं, उनकी कोई फिल्म हाल फिलहाल में नहीं आ रही है। लेकिन आपको बता दें, सुनील शेट्टी फिल्मों में नहीं दिखाई देते लेकिन बावजूद इसके वो काफी ज्यादा फेमस है और उनके ऐसे कई किस्से हैं जो जिनसे आप अनजाने, और आज हम आपको सुनील शेट्टी के उन्हीं किस्सों से रूबरू करवाएंगे। तो फिर देरी किस बात की, चलिए आइए डालते हैं नजर सुनील शेट्टी के कुछ दिलचस्प और मजेदार किस्सों पर। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में आए दिन लव स्टोरीज बनती और बिगड़ती तो आप सभी ने देखी होंगी, वहीं कई लव स्टोरीज तो कामयाब हो जाती हैं लेकिन कई ऐसी लव स्टोरीज भी हैं जो नाकामयाब साबित होती हैं। और आज हम बात करेंगे सुनील शेट्टी के बारे में। दरअसल सुनील शेट्टी से भी बॉलीवुड की एक सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस शादी करना चाहती थी, उनसे प्यार करती थी लेकिन किसी कारण की वजह से वो सुनील शेट्टी से शादी नहीं कर पाई। जी हाँ, बॉलीवुड में अफेयर और ब्रेकअप की बातें तो आज भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। ऐसे में कुछ स्टार्स के बीच शुरू हुई प्रेम कहानी जल्द ही खत्म हो जाती है तो कुछ की शादी तक पहुंच जाती है। बात करेंगे सुनील शेट्टी के जन्मदिन से पहले उनकी लव स्टोरी की। बता दें कि कैंसर से जूझ रही एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे सुनील शेट्टी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल साल 1992 में फिल्म बलवान से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाले सुनील शेट्टी बेहद कामयाब एक्टर रहे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 110 फिल्मों में बेजोड़ काम किया। फिलहाल वो फिल्मी पर्दे से दूर हैं। बता दें, साल 1997 में आई सुपरहिट फिल्म भाई में सुनील शेट्टी और एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे लीड रोल में थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों काफी करीब आ चुके थे लेकिन इस बात की भनक सेट पर कुछ ही लोगों की थी। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में सोनाली बेंद्रे कैंसर से जूझ रही हैं। वहीं सोनाली बेंद्रे की सलामती के लिए हर कोई बस दुआ मांग रहा है लेकिन ये सोनाली बेंद्रे एक टाइम पर सुनील शेट्टी से शादी करना चाहती थी। देखते ही देखते सोनाली ने सुनील को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और सुनील ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। बता दें कि सुनील और सोनाली टक्कर, सपूत और कहर जैसी फिल्मों में एक साथ नजर आ चुके हैं। बॉलीवुड में दोनों की जोड़ी बहुत ही हिट मानी जाती थी। दोनों को लेकर बॉलीवुड में बातें भी चलने लगी कि दोनों की शादी नहीं हो पाई। शादी ना हो पाने के पीछे वजह काफी बड़ी बताई जाती है। जी हाँ, खबरों की माने तो सुनील शेट्टी के मना कर देने पर साल 2002 में सोनाली ने गोल्डी बहल से शादी कर ली थी। गोल्डी एक फिल्म मेकर हैं। उन्होंने फिल्म अंगारे, बस इतना सा ख्वाब है और लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि सोनाली से शादी ना करने की वजह का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो शादीशुदा ना होते तो सोनाली के बारे में जरूर सोचते। जी हाँ, फिल्म भाई 1997 में आने से पहले ही सुनील शेट्टी शादीशुदा थे। उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त माना से साल 1991 में शादी की थी। सुनील सोनाली से शादी करके अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने सोनाली बेंद्रे से शादी करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। आज सुनील शेट्टी बेहद कामयाब एक्टर हैं और उनका पूरा ध्यान बिजनेस पर है। सुनील शेट्टी के दो बच्चे आहान और आथिया शेट्टी हैं। आथिया शेट्टी फिल्म हीरो से एक्टर सूरज पंचोली के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। वहीं सुनील के बेटे आहान फिल्मों में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये देखना काफी मजेदार होगा कि अब सुनील शेट्टी के बच्चे बॉलीवुड में क्या धमाल मचाते हैं।
इसी के साथ अगर बात की जाए सुनील शेट्टी के करियर की, तो आपको बता दें सुनील शेट्टी को अपने करियर में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। भाई आपको बता दें स्टार्स की लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती है जितनी हमें ऐसी लगती है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे सुनील शेट्टी के बारे में, यानी कि उनके करियर के बारे में। बॉलीवुड में एक्शन हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले सुनील शेट्टी 57 इयर्स के हो चुके हैं। आपको बता दें सुनील शेट्टी को हिंदी सिनेमा में अन्ना के नाम से भी जाना जाता है। सुनील शेट्टी को फिल्म इंडस्ट्री में 26 साल हो गए हैं। सुनील भले ही आज बॉलीवुड फिल्मों में काम करते हुए दिखाई ना देते हों, लेकिन सुपर डुपर हिट फिल्मों के किरदार आज भी लोगों के दिलों में सुनील शेट्टी ने अपनी एक खास जगह बना रखी है। तो फिर चलिए आइए आपको बताते हैं सुनील शेट्टी का कुछ फिल्मी करियर के बारे में। आपको बता दें सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड में साल 1992 में बलवान फिल्म से एंट्री की थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी के अपोजिट दिव्या भारती मुख्य किरदार में नजर आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई और रातों रात सुनील शेट्टी बॉक्स ऑफिस का सितारा बन गए। लेकिन कहा जाता है कि बलवान फिल्म के लिए सुनील शेट्टी के साथ कोई भी एक्ट्रेस काम करना नहीं चाहती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सुनील शेट्टी उस वक्त न्यू कमर थे। आखिर में दिव्या भारती ने इस फिल्म को सुनील शेट्टी के साथ किया था। वहीं अगर बात की जाए सुनील शेट्टी की लव स्टोरी के बारे में, यानी कि उनकी और उनकी पत्नी की लव स्टोरी के बारे में, तो आपको बता दें कि अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पहली नजर में ही प्यार हो गया था। यही पहली नजर का प्यार बॉलीवुड के एक्शन हीरो यानी कि सुनील शेट्टी को भी हुआ था। जी हाँ, सुनील शेट्टी ने फिल्मी सफर की शुरुआत करने से पहले माना को दिल दे बैठे थे। सुनील शेट्टी और माना शेट्टी की शादी को 27 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच रिश्ता आज भी ऐसा है जैसे मानो हाल ही में ये दोनों कपल शादी के रिश्ते में बंधे हुए हों। सुनील शेट्टी 11 अगस्त को अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसी खास मौके पर हम आपको बताएंगे सुनील शेट्टी और माना की पहली मुलाकात के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें सुनील शेट्टी ने माना को पहली बार एक पेस्ट्री की दुकान पर देखा था। पेस्ट्री की दुकान मुंबई के नेपियन सी रोड पर है, जहां पर सुनील अक्सर अपने दोस्तों से मिलने जाया करते थे। उस वक्त सुनील लंबे बाल रखते थे। दुकान में माना से हुई पहली मुलाकात में ही सुनील उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। माना को पहली बार देखने के बाद सुनील उनके प्यार में इस कदर पागल हो गए कि उन्होंने सबसे पहले माना की बहन से बात की और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे माना से मुलाकात करना शुरू कर दिया। उसके बाद भाई सुनील शेट्टी ने फैसला किया कि अब वक्त हो गया है शादी करने का, और जैसे तैसे सुनील शेट्टी ने माना से शादी कर ली। और आज सुनील शेट्टी भले ही बॉलीवुड में दिखाई ना देती हो, लेकिन उनकी लव स्टोरी काफी ज्यादा दिलचस्प है। क्योंकि अक्सर ही हमें लोगों को ये कहते सुना है कि भाई पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन भाई ये देखने को बहुत कम मिलता है। और इसके एग्जाम्पल है सुनील शेट्टी। जिस तरीके से उन्हें पहली ही नजर में माना से प्यार हो गया था, वो काफी काबिले तारीफ है। और आज सुनील शेट्टी माना से शादी कर बेहद ही ज्यादा खुश नजर आते हैं। भले ही बॉलीवुड में अब वो दिखाई ना देते हो, लेकिन वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश है। वहीं वो अपने बिजनेस पर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। वहीं उन्हें भाई दूसरा अंबानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने सुनील शेट्टी जो आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जिनसे आप अभी तक अनजान थे। वहीं आपको भाई ये भी पता चला कि सुनील शेट्टी भले ही अब बॉलीवुड में दिखाई ना देते हो, लेकिन उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो देश के दूसरे अंबानी कहलाए जाते हैं। भले ही फिल्मों में वो दिखाई ना देते हो, लेकिन अपने बिजनेस से वो इतना कमा लेते हैं कि उन्हें फिल्में करने की जरूरत ही नहीं है। वहीं आपको ये भी पता चला कि सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे शादी करना चाहते थे। सोनाली बेंद्रे जो इन दिनों कैंसर से जूझ रही हैं, वो एक टाइम पर सुनील शेट्टी से शादी करना चाहती थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। जैसा कि आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में देख ही लिया कि इन दोनों की कहानी कैसे अधूरी रह गई। लेकिन दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का।
पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन की और भी कुछ मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें नेक्स्ट टाइम न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।